आँख तो बद का कुछ नहीं है शरीर में। और भाई से वो फड़ी सारी मौज कर दी चला ईसा बेटा सबको मत अनुभव भगवान इसके हजार साल की उम्र हो भाई दूध ना पुता फड़ा। मंदिर वाली चौपाल में आज ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। सर हमारे यहाँ तो यहाँ पे जैसे पेशेंट आते हैं सबसे पहले यहाँ पे चिकन विजन होता है उसके नीचे थोड़ा और उसमें पानी गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, सुबह शाम ठंडे पानी से धुलना चाहिए। रावणम भाई साहब मैं थारा भाई जन राजा लाल आ चुका हूँ गन्नावठी गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा गन्नावठी गांव में आंखों का कैंप लगाया गया है और जिस प्रकार ये जो कैंप देखते हुए लगता है कि बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं लगातार यहाँ पे आई हुई हैं और जो संख्या है वो लगातार इतना बड़ा कैंप शायद ही बहुत कम गाँव में लग गया है जी। कम से कम हजारों की संख्या में आदमी यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला पार्षद जयदेव जी। नमस्कार जी। जयदेव जी जो कैंप लगा गन्नावठी गांव में उसके बारे में बताइए। भाई बहुत ही अच्छा काम है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखें तो या तो हमारे बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे जो युवा साथी उनके पास समय का अभाव है वो उनको मेडिकल तक नहीं ले जा पाते, कईयों के सामने आर्थिक समस्याएँ होती हैं तो कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। उसी को मद्देनज़र देखते हुए आज हमारे आदरणीय भाई नवीन डिगल की उनके मार्गदर्शन में आज गांव गन्नावठी की मंदिर वाली चौपाल में आज ये कैंप आयोजित किया जा रहा है और हमने मुनादी करवा के पूरे गांव के और गांवांड के बुजुर्गों तक हमने ये मैसेज पहुंचाया। किसी भी बुजुर्ग को आँखों से संबंधी कोई भी समस्या है तो इस कैंप में पहुंचें और हमारे से जो भी हर संभव जो हमारा प्रयास रहेगा उनको मदद करने का, चाहे वो चश्मे की मदद है, चाहे वो दवाई की है या फिर किसी का मोतियाबिंद की समस्या है तो उनके मोतियाबिंद के इलाज करवाने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बस पार्षद साहब ने जयदेव जी ने बोला भाई हमारे एरिया में कैंप की ज़रूरत है तो हमें भी इधर एक कैंप और दे दिया। इस एरिया में कैंप लग नहीं रहे थे ना अभी तक, इसलिए इधर ज़्यादा ज़रूरत है जिन्हें। पहला कैंप है ये? हाँ इधर पहला कैंप है गन्नावठी के अंदर और यहाँ पर सुंडाणा से बाड़न से दूर दूर गाँव से आदमी आ रहे हैं जो अपनी आँख दिखा रहे हैं बनवाने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छी सोच से लगाया और उसका आपको दिखाई भी दे रहा है कि गरीब आदमी और क्या बुजुर्गों को इसका लाभ मिलता है कैंपों से। बहुत ही अच्छी सोच है, समाज की और मानव सेवा है ये और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है और हम इनका बहुत आभारी हैं कि हमारे गांव में ये कैंप लगाया। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, बड़े बूढ़ों को नज़र मिल जाएगी, संसार को देखेंगे, बहुत अच्छा काम है। बेटा आँख बनवा गई है? एक तो बनवा लिया और बनेगी बेटा। एक बनवा ली? हाँ। किसी बनी है? बढ़िया बन रही है बेटा। हाँ कच्ची बढ़िया बेटा। ना कुछ दर्द नहीं हुआ बेटा। कोई पीछा लिया हो? ना बेटा कुछ नहीं लिया, सही हुई बेटा, कच्ची बढ़िया आ रही है बेटे सबको। इधर भरोसा कर दिया बेटा ना, बहुत बढ़िया जानी बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ अपने देखो ना हमारे कैसा का बूढ़ा की कितनी सेवा ठा रहा है। अब भाई आँख तो बद का कुछ नहीं है शरीर में। अच्छी पहल है यार, एक युवा होने के नाते उनकी एक अच्छी पहल है गांव के प्रति और लोगों के प्रति जो है सोच है बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी सोच के साथ ये कार्य निःशुल्क सेवा है और जरूरतमंद है ना सबका इलाज फ्री हो रहा है और आने जाने का खर्चा खुद अपने आप से उठा रहे हैं। राम राम भाई। जो नवीन भाई के द्वारा कैंप लगाया गया उसके बारे में क्या कहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसा काम प्रधान ने भी करना चाहिए एक बार और बहुत बढ़िया काम है, करता रहना चाहिए और करते तो अच्छी बात है। कोई पीछा भी लिया है? ना ना हम इन दौरे लेंगे मार्दर क्या लेंगे पीछा ना, मतलब किसी बुजुर्ग महिला ने कोई पीछा भी दिया किसी डॉक्टर ने? आड़ ना रे ना आड़ कौन पीछा फरी है कति फरी। सेवा मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लोगों की अच्छी सेवा हो रही है, कोई परेशानी नहीं और धर्म का काम है भाई। इस प्रकार के काम और भी गाँव में लागने? हाँ बिल्कुल सभी गाँव में लागने चाहिए ताकि बुजुर्गों की सेवा। उसके पैसा भी लिया है? ना बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते, फ्री सेवा है। हाँ चश्मे फ्री दे? चश्मे भी दवाई भी आँख पड़ती वो भी फ्री सेवा है। मैं यह कहना चाहूँ इसी सेवा तुम कर रहे हो ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, भगवान तुमने दुआ देगा। सर हमारे यहाँ तो यहाँ पे जैसे पेशेंट आते हैं सबसे पहले यहाँ पे चिकन विजन होता है उसके बाद रिफ्लेक्शन के डॉक्टर चेक करते हैं, जैसे एडवाइस करते हैं, अगर पेशेंट को कैटरेक्ट है तो लेके जाते हैं उनकी आँख बनती है, नहीं तो चश्मे का नंबर दिया जाता है। अगर चश्मा तुरंत मिलने के मतलब नंबर हमारे पास रहता है तुरंत दे देते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल में ले जाके बनवा के फिर ला के देते हैं। अभी तक जी
हमने अब तक 63 कैंप लग गए जी नवीन भाई साहब, 63 कैंप लग गए जी, सारा ऑपरेशन सक्सेस है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, किसी को भी। देखो कि यहाँ लोगों के लिए यही सलाह देना चाहती हूँ कि उनको ना आपको बचा के रखना चाहिए धूल मिट्टी से थोड़ा, और उसमें पानी गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, सुबह शाम ठंडे पानी से धुलना चाहिए, कभी गंदगी ना जाए उसमें, थोड़ा आँखों को धूप में जाने से बचाना चाहिए, काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जब वो धूप में जाए तो उससे धूप से आँखों जो खराब ना हो, धूप की क्योंकि जो धूप की यूवी रेज होती है उससे आँखों पर पड़ती है तो आँखों की रोशनी कम भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है उससे, तो उनको दिक्कत हो सकती है, इससे बेटर है आँखों का वो बचाव करें, सुबह शाम ठंडे पानी से धुलें, अच्छा हेल्थ फूड खाएं, जैसे गाजर वगैरह आंखों के लिए बहुत अच्छी, हरी सब्जियां ये सब खाएं, वो खाने में तो आंखों की रोशनी अच्छी रहती है।